हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फील आर्ट विद रजनी। तो आइए, आज मेरी स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं अपनी स्टूडियो में पेंसिल स्केच से बर्ड की एक ड्राइंग बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे अभी कुछ क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि अच्छे से और सेटिंग करना है। फिर भी मैंने सोचा चलो अभी स्टार्ट करते हैं। और इधर इस तरफ खिड़की के पास नहीं बैठी क्योंकि हवा आ रहा था ना, तो पर्दा उड़ रहा था। तो ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा था, हवा आ रहा था, पर वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हम उस खिड़की के सामने बना रहे थे। एकदम डायरेक्ट खिड़की के पास एकदम रोशनी आ रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब बैठ के तो नहीं बना पाते क्योंकि बहुत ऊंचा था, इसलिए खड़े होकर ही बना रहे हैं। तो देखिए, और यहाँ पे मैं अब बर्ड की स्केचिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, इस बर्ड की स्केचिंग बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम बर्ड की स्केचिंग बनाते हैं और आपको पार्ट बाय पार्ट, सॉरी स्टेप बाय स्टेप सिखा, बच्चों के लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा, उस टाइप से बताएंगे कि हाँ बच्चे किस टाइप से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी हवा चल रहा है, हाँ इतने तेज़ कि हाँ बल्ब भी हिल जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। पर ये था कि खड़े होकर बनाना पड़ रहा था वहाँ पर। फिर भी मैं सोच रही थी कि अब यहाँ पे ही बैठ के बनाएंगे क्योंकि हाँ वहाँ स्टैंड लगा के सेट करने में दिक्कत हो रहा था। और मेरे पास एक और जुगाड़ है रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसी से करना होगा तो अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे पूरा अच्छे से दिख नहीं पा रहा है दूर से। तो फिलहाल अभी आज मैं इसी से कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर पहले आउटलाइन करके अब शेडिंग, तो शेडिंग भी दिख नहीं पा रहा है। सॉरी, इस वीडियो को बस ऐसे ही सोचे चलो डाल देते, इसके बाद वाली वीडियो पे ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या मिस्टेक है। तो उस पर ध्यान देना होगा कि किस तरह से वीडियो डालें कि वो अच्छे से दिखे और समझ में आए। तो देखिए अभी मेरी ये HB पेंसिल से, सॉरी 6B पेंसिल से डार्क पेंसिल है और ये 2B है। तो 2B पेंसिल से लाइट सेट करना है और 6B से डार्क सेट करना है। तो अभी हम डार्क पेंसिल से सेट कर रहे हैं नेक के पास और आइज़ के पास, ठीक है। तो वहाँ पे अभी दिख तो नहीं रहा है पर बन जाने के बाद पता चलेगा, फिलहाल आप देखिए। हाँ, अब मैं वीडियो इसी टाइप से डालूँगी कि हाँ कुछ बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। तो शेडिंग हुआ या ऑयल पेस्टल से बनाना हो वो हुआ, तो वैसे करके अब डेली ही वीडियो अपलोड करना है। और इधर तो मतलब बिल्कुल नहीं बना पा रही थी, बस 2-3 दिन गैप हो ही जा रहा था। और फिलहाल कुछ दिन पहले रेगुलर वीडियो ही अपलोड करते थे पर इधर कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन अब अगर हमें बनाना है, वीडियो डालना है तो अच्छे से डालना है। तो वही हम सोच रहे थे कि अब डेली एक दिन बाद करके वीडियो अपना शेडिंग हो, ऑयल पेस्टल हो या वाटर कलर जो भी हो उसे डाल देना है। और इस टाइप से डालना है कि हाँ वो डाले तो किसी के काम आए, किसी को समझ आए। तो यहाँ देखिए फिलहाल मेरी नेक की शेडिंग हो चुकी है। अब यहाँ उस ये पंख फेदर की शेडिंग हो रही है और यहाँ पे डार्क शेडिंग करनी है। तो डार्क शेडिंग करके उसे आउटलाइन करना है। तो अगर आप चाहें तो पहले आउटलाइन भी कर सकते हैं, डार्क पूरे आउटलाइन करने के बाद उसके बाद आप शेडिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे से ऊपर करना है, उधर ऊपर था कि ऊपर से नीचे करना था, अब यहाँ पे नीचे से ऊपर सेट करना है लाइट सेट 2B पेंसिल से। तो फिलहाल इतना हो चुका है देखिए। तो इसके बाद और नीचे है तो वहाँ लाइट सेट करना है। तो देखते रहिए। Thank you.
यहाँ मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे अगर 10वीं पेंसिल से हम लोग आउटलाइन करते तो और भी बढ़िया होता, तो वो फिलहाल नहीं था इसलिए 6वीं से करना पड़ा। तो देखिए मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी स्केचिंग कैसी लगी, सिर्फ आधे घंटे में बनी है। तो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ इसके बाद आप ज़रूर बताइएगा, ये मैं अब जैसे बच्चों को हैंड पोस्ट स्टेप से सिखाने के तरीके में हम सिखाएंगे बताएंगे, तो आपको कुछ जैसे बोलना हो बनाने के लिए तो बोल सकते हैं, मैं वो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।